ग्वादर अपडेट से आज आपको एक नए अपडेट की तरफ लाया हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं ग्वादर ऑफ रोड रैली के में, और आफ्टर कोविड इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। और आफ्टर कोविड के बाद हम लोगों को ऐसा इवेंट इससे पहले ग्वादर में नहीं मिला। इससे पहले भी ग्वादर ऑफ रोड रैली मुनक्द किए जा चुके हैं, लेकिन उनमें ये था कि कोविड का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन कोविड के बाद तीन साल के बाद ये रेस फिर से होने जा रहा है, और हम बहुत खुश हैं कि ग्वादर में ऐसे इवेंट्स मुनक्द किए जा रहे हैं। और इस साल पहले के सालों में जो लोग आते थे उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं होते थे, इस दफ़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं। तकरीबन हमारे इंटरनेशनल प्लेयर 16 के करीब है जो ईरान से और बाकी ममालिक से यहाँ आए हैं। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ रेसिंग के मैदान में, वहाँ आपको सब कुछ दिखाऊँ इंशाल्लाह। हम लोग रेसिंग के मैदान में तो दोस्तों हम लोग मैदान पर पहुंच गए हैं। यहाँ से रेसिंग का इवेंट का इफ्तिताह हो चुका है, और यहाँ से गाड़ियाँ आस्ते आस्ते हमने मंजिल को रवाना हुआ है। ये आप सारा देख सकते हैं, ये डेजर्ट, इसी डेजर्ट में ये रेसिंग मुनक्द किया जा रहा है, और इसी डेजर्ट में ये रेसिंग किया जाएगा। ये रेस के लिए सारी गाड़ियां खड़ी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि कब इनको बारी मिले और ये आगे रेस शुरू कर रही हैं। ये सारी गाड़ियां लाइन पर खड़े हैं, बिल्कुल रेडी टू गो। वालेकुम भाई, आप अपना बताएंगे कि आप कहाँ से आए और इस रैली में आपकी ग्वादर डिस्ट्रिक्ट और पसनी में रह रही हूं। सही, माशाल्लाह हमारे ग्वादर से हुए हैं। ए कैटेगरी है कि बी है? 2016 में सेकंड पोजीशन हासिल किया। माशाल्लाह जबरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे आप इंशाल्लाह। ये स्टेज भी लग चुका है सामने, अगर आप देख सकें स्टेज भी बड़ा ज़बरदस्त तो प्यारा लग चुका है। यहाँ गाड़ियाँ भी सारी खड़ी है,
रेसिंग के मैदान में, और आपको यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं और हमारी बाइक्स भी हैं। हम लोग बाइक के ज़रिए आपको हर जगह से फुल अपडेट देते जाएंगे और इसके बारे में आप कुछ डिटेल से बताएंगे। ये हमारी टीम हमारे साथ काम कर रही है, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है। आखिर में आके रेस यहीं पर वापस फिनिश होने वाला है।